छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर को युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं है। गौरतलब है कि शनिवार को सूरजपुर में लॉकडाउन के दौरान एक युवक पर्चा लेकर दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहा था। इसी बीच कलेक्टर रणवीर शर्मा लॉकडाउन का जायजा ले रहे थे। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही देख वह गुस्सा हो गए। उनकी नज़र युवक पर पड़ी और उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों से उसे रोकने को कहा। जब युवक कलेक्टर के पास आया तो वह मोबाइल पर दवा वाला पर्चा दिखाने लगा। इससे नाराज कलेक्टर रणवीर शर्मा ने उसे थप्पड़ जड़कर मोबाइल नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। रविवार को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। कौन सा टेस्ट करने गया था? दादी का दे गया था, नहीं नहीं निकलते हैं वही हम लोग घर में रहा इसीलिए नहीं ये रिकॉर्ड किया मैं फोटो दिखा भगवान की भैया कहाँ गए? मोबाइल में देख लीजिए।